क्लास 10 टुडे वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स गिवन ऑन पेज नंबर 208 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक एग्जांपल 12.3 हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स. करंट आपको फाइंड आउट करना है. एक इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितना करंट फ्लो करता है अगर वो 220 वोल्ट सोर्स से कनेक्टेड है. इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम. सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो नोट डाउन करेंगे. ए पार्ट आपको करंट फाइंड आउट करना है. आपको वी गिवन है 220 वोल्ट एंड आर गिवन है आपको 1200 ओम. इन ए पार्ट यू नो दैट वी इज इक्वल टू आई आर. दिस इज एन ओम्स लॉ. वी इज इक्वल टू आई आर एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR, then I is equal to V upon R. अब आपको V given है 220, R कितना given है 1200, तो इसे आप cancel करेंगे. 0 से 0 cancel, 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 6 are 12, that is 11 upon 60 volt. This is the ampere. This is the current in the circuit. Now B part, how much current? कितना करंट फ्लो होगा इन एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉयल फ्रॉम एंड कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सोर्स. वो किससे कनेक्टेड? 220 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट है. दैट मीन्स आपको V गिवन है 220 वोल्ट. आपको I फाइंड आउट करना है इस केस में भी. इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉयल इज 100 ओम. आपको R कितना गिवन है यहाँ पर 100 ओम. देन V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. Then I is equal to V upon R. यानि V is equal to 220 and R कितना given है 100. 0 से 0 cancel. 2 1 the 2, 2 1 the 2 and 2 5 the 10. यानि 11.5 ampere. आप इसे decimal में भी convert कर सकते हैं. तो this is the example 12.3.